हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, सुल्तान बिजनेस आइडियाज़ में। तो दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक और स्मॉल बिजनेस आइडियाज़ लेकर आए हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं होता है कि वो बड़ा बिजनेस कर सकें, तो ऐसे में आज का जो बिजनेस है दोस्तों, बहुत ही छोटा बिजनेस है। और इसमें जो है, आप चाहो तो अपने गाँव में या अपने बाज़ार में या आस पास अपने चौराहे पर भी लगा सकते हो। ये जो है, जो कि बरसात का टाइम आ गया है दोस्तों, इस टाइम में जो है इसका सेलिंग बहुत ही अच्छा होता है। और आप अगर काम अच्छा करोगे तो आपके यहाँ जो है कस्टमर की लाइन लगी रहेगी। और आपको माल कहाँ से ख़रीदना है, कैसे कैसे आपको करना है, सारा कुछ आपको बताऊँगा कि इसमें आपको कितना खर्चा भी लग सकता है। तो ऐसे में जो जो चैनल बन रहे हैं, चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज का जो बिज़नेस है ये है एक जोंधरी का बिज़नेस दोस्तों, जो कि आप सब जानते होंगे, जोंधरी जिसको हम लोग भुट्टा बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इसी को दोस्तों आप करना है मक्का जो है, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। आपको कुछ ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं लगेगा, इसमें आपको 10 से 5 हज़ार रुपया खर्चा लगेगा। जो कि अगर आप ठेला बनवाना चाहते हो, जैसे कि आप इसमें ठेला भी देख सकते हो, उस ठेले के ऊपर क्या रहता है दोस्तों, आपका सारा आइटम जो है उस पर रहेगा। और ठेला आप कहीं भी फेरी भी लगा सकते हो, कहीं भी चौराहा चौराहा बदल सकते हो। और उसमें आपका आड़ भी रहता है बारिश वगैरह, जो कि आप सब जानते हैं बरसात में बारिश तो होना ही होना है, इसीलिए आपको इसमें सेफ्टी भी रहता है। तो इसमें क्या है दोस्तों, आपको छोटा सा अंगीठी बनाना है, जो कि ज़्यादा खर्चा आपको इसमें नहीं लगता है। आप उसे तेल का डब्बा, टीने का वगैरह भी बना सकते हो। और आपको इस तरह से जो है इस काम को करना है, जो कि इसमें आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आपको मिलता रहेगा। अगर आपका डेली का जो है 10-20 पीस भी सेल हो गया, तो आप उसमें जो है 100-200 रुपया कमा सकते हो, अपने घर पर ही रह के या अपने गाँव में या आजू बाजू में लगा। क्योंकि दोस्तों ये सीज़न बहुत ही अच्छा है और यहाँ पर जो है ये ज़्यादा बिकता है। और गर्मी वगैरह में जो कि आप सब जानते हैं, पहले से ही गर्मी से आदमी परेशान रहता है। और बारिश में क्या है, ज़्यादा जो है इसकी सेलिंग होती है। आप सब ने देखा भी होगा, बरसात के टाइम पे बहुत सारा आपको दिखाई देगा, यहाँ से दूर दूर तक इसका जो है लोग करते हैं। और मैं आपको बता दूँ दोस्तों, मक्का ख़रीदना कहाँ से है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मक्का अगर आपके आजू बाजू में किसान रहते हैं, या कहीं दूर दूर पर भी आप तलाश सकते हो, जहाँ कहीं भी आप रहते हो वहाँ पर दूर पर भी तलाश सकते हो किसान, आपको मक्का वहाँ से ले लेना है। क्योंकि वहाँ से आपको क्या सस्ता मिलेगा, जैसे कि मैंने भी लगाया था तो यहाँ पे तैयार हो चुका है, तो मैं उसको यहाँ पे रेट भी ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए मैं मंडी नहीं पहुँचा रहा हूँ। और अगर फुटकर में अगर उसे बेचा जाए तो बहुत ही अच्छा जो है प्रॉफिट मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, उसको जो है भूज के अगर बेचा जाए तो वहाँ से जो है अच्छा प्रॉफिट आपको मिल जाता है। तो मक्का आपको ले लेना है किसान से, वहाँ से आपको सस्ता मक्का मिल जाएगा। होलसेल में आप वहाँ से ख़रीद सकते हो और उसे आप रिटेल में बेच सकते हो एक एक पीस करके। तो दोस्तों यही रहा छोटा सा बिजनेस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी।